दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल मोबाइल पर स्कूल में। दोस्तों आप सभी के लिए आज हम लेकर आए हैं यहाँ पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसके यहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देकर आए हैं। अगर आप क्लास 10 ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं तब आप यह वीडियो जरूर से पूरा देखें, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि यह भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेज हैं, आप इसको जान लीजिए। आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा आई सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी टीचेस इंग्लिश। क्या है? आई सेट कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद है सी टीचेस इंग्लिश। अब हम इसको कैसे बदलेंगे देखिए, आइए आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर इसको पहले हम आई सेट को ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद जहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहता है वहाँ तो पता है आपको भी कि यहाँ पर दैट लगाया जाता है। तो देखिए आई सेट दैट, सी को हम बदल देंगे यहाँ पर सी में ही। देखिए आई सेट सी थॉट इंग्लिश, क्या होगा? सी थॉट इंग्लिश। सी देखिए किसके यहाँ पर, सी कौन सा पर्सन है? देखिए आई मी माई माइन, यहाँ पर हो गया ये फर्स्ट पर्सन, उसके बाद यू, उसके बाद यहाँ पर देखिए सी, ये फिर थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर नो चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आई सेड दैट सी थॉट इंग्लिश। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल, हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है सी सेड टू मी। क्या है? सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम रीडिंग अ बुक। सी सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक, इसमें हो जाएगा देखिए सी सेड टू की जगह हो जाएगा यहाँ पर टोल्ड। क्यों हो जाएगा? यहाँ पर देखिए सेड टू का टोल्ड में बदलता है, सी टोल्ड मी दैट। आई देखिए कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? यहाँ पर फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पर क्योंकि आपको पता है यस ओ एन का नियम, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या है? सी। सी को यहाँ पर लिख देंगे सी टोल्ड मी दैट। सी एम किस में चेंज होगा? वाज में चेंज होगा, मतलब प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। सी वॉज रीडिंग अ बुक, यहाँ पर सेकंड एग्जांपल कंप्लीट। उसके बाद हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव रिटन द लेटर। सी सेड आई हैव रिटन द लेटर, तो इसमें हो जाएगा सी सेड दैट। आई देखिए फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट सी है तो हम लिख देते हैं देखिए सी सेड दैट सी हैड रिटन द लेटर। आपको पता होगा ये वाला नियम, देखिए यस ओ एन का नियम, बट यहाँ पर एक दो तीन लिखिए, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, और फर्स्ट पर्सन रहेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड रहेगा तो ऑब्जेक्ट, थर्ड रहेगा तो नो चेंज। आई माई मी यहाँ पर वी अवर अस जो भी आ जाए ये सभी आपके फर्स्ट पर्सन है, अगर यू योर्स इसमें से आए तो ये सेकंड है, ही सी यहाँ पर आ जाए, हीज हर ही हर दे दियर देम ये सभी आ जाए तो ये सारे थर्ड पर्सन होंगे। तो यहाँ पर ये देखिए सी सेड आई हैव रिटन द लेटर, तो इसका हो जाएगा सी सेड दैट सी हैड रिटन द लेटर। उसके बाद यहीं पर देखिए वहाँ फोर्थ आ जाता है, फोर्थ है सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। तो देखिए सेड टू मैंने बताया था आप टोल्ड में बदलेंगे, देखिए सी टोल्ड मी, उसके बाद बीच में यहाँ पर दैट लगेगा सी टोल्ड मी दैट। यहाँ पर अब हम बदलेंगे आई को, आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार कैसे चेंज होगा? तो यहाँ पर सी लिखेगा सी टोल्ड मी दैट सी हैड बीन वेटिंग फॉर यू। अब यहाँ पर हैड बीन क्यों आया आपको बताएं, देखिए आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू है, तो यहाँ पर ये आई हैव बीन जो है यहाँ पर, तो इससे हमें पता लगता है कि यह है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेगा। यहाँ पर सी टोल्ड मी दैट सी हैड बीन वेटिंग फॉर यू, क्या सी हैड बीन वेटिंग फॉर यू। उसके बाद यहाँ पर हमारा लास्ट आ जाता है रीना सेड टू मोनू आई हैड गिफ्टेड यू द पेन। रीना टोल्ड मोनू हो जाएगा, यहाँ पर सेड टू मोनू है तो यहाँ पर आ जाएगा रीना टोल्ड मोनू दैट, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार रीना है तो रीना यहाँ पर गर्ल के लिए हम लगाएंगे सी, तो देखिए दैट सी हैड, हैड है यहाँ पर तो इसको हम हैड ही रहने देंगे, गिफ्टेड यू द पेन। अब आप कहेंगे यहाँ पर हमने इसको क्यों नहीं चेंज किया, हैड है तो यहाँ पर हमने हैड ही क्यों किया, रीना टोल्ड मोनू दैट सी हैड गिफ्टेड हिम द पेन। तो आपको बता दें कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। कैसे हुआ? रीना सेड टू मोनू आई हैड गिफ्टेड यू द पेन, तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर जो हैड है तो इसी से हमें पता चला पास्ट परफेक्ट है, इसलिए और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज नहीं होता, इसको आप याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस